फिर सुमन के सामने निमृत कौर आलोवालिया डर चुकी है प्रियंका चहार चौधरी से कि भाई मेरी पोल ना खुल जाए। चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिस चीज के बारे में बात करने वाली हूँ ये एपिसोड में भी दिखाया गया था और इस चीज का प्रोमो भी कट हुआ था। हम बहुत ध्यान से ये चीजें देखते हैं, इसीलिए आपको हर एक चीजें जो है अपनी वीडियोस के जरिए पहुंचाते हैं। निमृत काफी सा नाराज हो गई थी शिव से और उनका कहना ये था कि शिव मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, इन लोगों के साथ नहीं। जहां पर एमसी स्टैंड गुस्से में वहां से उठ के चले जाते हैं और वहीं पर जो है इसी बात का जिक्र करते हुए सब घर वालों के सामने नजर आए शेखर सुमन। और शेखर सुमन बोलते हैं कि भाई तुम बात क्या करना चाहती थी निमृत शिव से कि भाई तुम सुमूल और एमसी स्टैंड के सामने बात नहीं कर पाए। जहां पर शेखर सुमन बोलने ही वाले होते हैं कि आखिरकार क्या बात होती है, वहां पर निमृत बहुत ही फास्ट तरीके से फास्ट वे में जो है वो रिप्लाई देती है, नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है और बस वो ऐसी नॉर्मल सी बात थी और मैंने ऑलरेडी इन तीनों के सामने वो कर दी थी, मैं बस बचपना कर रही थी, ऐसा था वैसा था। उन्होंने निमृत ने ये बात खुलने ही नहीं दी, हालांकि ये बात कोई बड़ी बात नहीं थी पर कहीं ना कहीं निमृत जो है डरती हुई नजर आई कि भाई मेरा कुछ और सच जो है प्रियंका या शालिनी या अर्चना के सामने ना आ जाए और शेखर सुमन ऐसी बात बोल ना दे जो कि मेरे ऊपर बैकफायर कर दे। इसीलिए शेखर सुमन को वो पॉइंट उठाने ही नहीं दिया निमृत ने। कहीं ना कहीं निमृत इनसिक्योर तो है ही प्रियंका से और डरती भी है, ये चीज साफ तौर पर पता चलती है। इसीलिए हमेशा ही कुछ ना कुछ मुंह बना के जब भी प्रियंका आती है वो नेगेटिव मुंह बना के ही रखती है। आपके क्या विचार है बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।